दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं Redmi Note 7 के बारे में। जैसे कि एक Xiaomi का एक फ़ोन है Redmi Note 7, जो कि अभी अभी चाइना में लॉन्च हुआ है और जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बट ये जो Redmi Note 7 है, अब तक का सबसे किलर स्मार्टफोन मुझे तो लगता है। और इस प्राइस रेंज की अगर बात की जाए Redmi Note 7 की, वो तो सबसे अलग है और कम प्राइस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर यहाँ पर Redmi आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी तो चाइना में लॉन्च हुआ है, चाइना में कितनी प्राइस है वो तो हम यहाँ पर देखेंगे नहीं, बट इंडिया में कितनी होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में जो टॉप मोस्ट फीचर्स हैं सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर Redmi Note 7 लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी चाइना में इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो 10,400 रुपीज़ या तो 300 रुपीज़ आ जाती है, जो कि 999 यांस है, ठीक है, वो जो कि है चाइनीज करेंसीज में है। बट अगर उसे अगर इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 9,999 रुपीज़ में आ जाता है, यानी कि 10,000 रुपीज़ के लगभग आ जाता है। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया फीचर तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है प्रोसेसर वो है स्नैपड्रैगन 660, जो कि सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। अगर ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 660 अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपको 15,000 रुपीज़ तक का स्मार्टफोन लेना होगा। बट आपको जो फर्स्ट वेरिएंट मिलेगा Redmi Note 7 का, जिसकी प्राइस 10,000 रुपीज़ होगी, उसमें आपको 660 का स्नैपड्रैगन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए उसकी बैटरी की बात की जाए तो 4,000 एम्पीयर की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। और जो डिस्प्ले है वो फुल HD डिस्प्ले है और उसकी जो रेशो है 6.3 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिलता है आपको वहाँ पर। उसके बाद में सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर बैटरी बड़ी होने से कुछ नहीं होता है, बट बैटरी कितनी फास्ट चार्ज हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर बैटरी तो बड़ी है 4000 mAh की। अगर आप फास्ट चार्ज करना चाहते तो आपको एक सेपरेटली एक फास्ट चार्जर लेना होगा। उसके बाद ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन। तो इसके साथ में आपको USB-C टाइप का इंटरफेस मिलता है, जो कि अभी USB-C तो अगर बात की जाए तो 20,000 रुपीज़ के ऊपर का अगर कोई भी फ़ोन लेते हैं आप तभी आपको मिलता है, या तो नोकिया का 6.1 या तो 7 में मिलता है, बट USB-C पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो कैमरे की अगर बात की जाए तो जो बैक साइड कैमरा होता है वो 48 MP प्लस 5 MP का बैक कैमरा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में जो फ्रंट वाला कैमरा है वहाँ पर आपको मिल जाता है तकरीबन 13 MP का फ्रंट कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद में यहाँ पर जो सेंसर यूज़ किया गया है वो सैमसंग का सेंसर है, बट यहाँ पर जो आने वाला है जो Redmi Note 7 Pro भी आएगा, जब Pro आएगा Pro में भी 48 MP का कैमरा रहेगा, बट वहाँ पर आपको जो सोनी का सेंसर है वो देखने को मिल सकता है। बट 7 में यहाँ पर सैमसंग का सेंसर लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए नॉच की तो नॉच भी काफ़ी अच्छी, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच है, जो कि एकदम छोटी सी नॉच है, जो कि बड़ी वाली नॉच नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो लुक है दिखने को वो काफ़ी स्मार्ट लुक है, यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये फ़ोन जो है डस्ट रेजिस्टेंट या तो नॉर्मल वाटर रेजिस्टेंट या तो फ्लैश रेजिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी नैनो कोटिंग की गई है और बाकी कवर कर दिया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा डस्ट रेजिस्टेंट स्मार्टफोन हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर देना, यहाँ पर अभी तक किसी भी कंपनी ने यहाँ पर इस प्राइस रेंज में ये फीचर नहीं दिए हैं। और चाइना में तो इसकी प्राइस अगर देखा जाए 10,300 या तो 400 रुपीज़ होती है, बट चाइना की और इंडिया की बात अगर की जाए तो कुछ नहीं जाता, तो 500 रुपीज़ या तो 1,000 रुपीज़ तक का डिफरेंस हो सकता है। बट सबसे कम प्राइस रेंज में अगर देखा जाए तो आपको ये बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। उसकी सेल्फी की अगर बात की जाए, जो कैमरा है फ्रंट का वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पर लगती है स्नैपड्रैगन 660। अगर स्नैपड्रैगन 660 अगर आपको लेना है तो कोई भी फ़ोन लो आप, 15,000 रुपीज़ के अंदर कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। और एक Realme 2 है जिसकी 14,000 रुपीज़ प्राइस है, जिसे आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। बट इसकी अगर डिस्प्ले और कैमरा की अगर बात की जाए तो Realme 2 से भी 2 Pro से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको फीचर मिलते हैं। और उसकी क्लॉक स्पीड अगर देखा जाए तो 2.2 GHz तक आपको प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड मिल सकती है और गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। अगर आप स्टैंड बाय वीडियो प्ले करते हैं तो 13 आवर तक चलेगा, और गेम खेलते हैं तो आपको 7 आवर तक ये परफॉर्मेंस दे सकता है। और क्विक चार्ज अगर लेते हैं आप तो क्विक चार्ज से फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं स्मार्टफोन ये। तो यहाँ पर जो Xiaomi का Redmi Note 7 है उसमें आपको जो बैक साइड है, बैक साइड में भी ग्लास फिनिश है, और फ्रंट साइड में जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो बैक साइड की फिनिश है काफ़ी टच फिनिश है, और जो
ग्लास फिनिश होती है उसमें आपको जो स्मूथनेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये Redmi Note 7 है। अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या तो वेट कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ में एक फ़ोन लूँगा, या तो आने वाले कुछ दिनों में आप एक स्मार्टफोन अगर परचेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए Redmi Note 7 बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत आती है या आप कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।